शानदार बैंगल लिमिटेड है, वो बैंगल्स बनाता है, ठीक है, और काफ़ी फेमस है मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसके तीन फेज़ होते हैं, एक होता है ग्लास मेल्टिंग फेज़, एक होता है पैरिसन मेकिंग फेज़, फिर एक होता है स्पायरल या क्वाइल फॉर्मिंग फेज़। और ये जो बैंगल्स की जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ही हाईली स्किल्ड लेबर ओरिएंटेड है, मतलब यहाँ पे मशीनें कम होती हैं बल्कि यहाँ पे लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। फिर इसके कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे एयरबोर्न पोल्यूशन, एमिशन ऑफ एयरबोर्न पोल्यूशन, एशेज, गैस, नॉइज, वाइब्रेशन, कंडीशंस ऑफ द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस की क्या कंडीशन रहती है, चूँकि यहाँ पे जो होता है बैंगल्स बनाना होता है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना रहना पड़ता है। और जो फर्नेसेस होते हैं जिसे चिमनी भी कह सकते हैं वो जलती रहती है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होता है और साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जो परमिसिबल लेवल होता है उससे भी ज़्यादा क्रिएट होता है, उससे नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं लोगों को। मैनेजर इनिशिएटिव, तो अपने जो इस लेबर है उनकी हेल्थ को देखते हुए और एनवायरनमेंट को देखते हुए तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है, जैसे कि नॉइज रिड्यूसिंग डिवाइस लगाती है, बैच हाउस साइक्लोनिक डस्ट कलेक्टर लगाती है, नेचुरल गैस फायर्ड फर्नेस का यूज़ करती है, बेटर फैक्ट्री मटेरियल उसका यूज़ करती है, ट्रेनिंग देती है ताकि वेस्ट मिनिमाइजेशन कम हो, और पौधे लगाती है इस तरीके से, नाइट्रोजन ऑक्साइड का ट्रीटमेंट करती है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। और जो मैनेजमेंट है अब वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कॉस्टिंग को अडॉप्ट करना चाह रही है एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हमें एक्सप्लेन करना है द रिक्वायरमेंट टू हैव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसके आप बेनिफिट्स बता दो, रिक्वायरमेंट में क्या है, रिक्वायरमेंट मतलब इसकी ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत क्या है, जो बेनिफिट है वही तो उसकी ज़रूरत है, जैसे प्रोडक्ट में प्राइसिंग में आपको हेल्प मिलेगी, बजटिंग करने में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में मदद मिलेगी, आप एसेस कर सकते हो एनुअल एनवायरमेंटल को, इस तरीके की चीज़ें। फिर बोला है आइडेंटिफाई दी SBL's एनवायरमेंटल प्रिवेंशन अप्रेजल एंड फेलियर कॉस्ट। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसी के अंदर से हमें आइडेंटिफाई करनी है कि इसकी एनवायरमेंटल की प्रिवेंशन कॉस्ट कौन सी है, अप्रेजल कॉस्ट कौन सी है, और फेलियर कॉस्ट कौन सी है। तो देखो एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट कौन सी होगी, जैसे जो साइक्लोनिक डस्ट कलेक्टर उसने यूज़ किया है, जो नेचुरल गैस फायर फर्नेस का यूज़ कर रहा है, बेटर रिफ्रैक्टरी मटेरियल, नॉइज रिड्यूसिंग डिवाइस, ट्रेनिंग दे रहा है, ये होती है इसकी प्रिवेंशन कॉस्ट, एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं, यानी इस सब में जो भी खर्चा आता है उसे एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। एनवायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट, इसमें क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को ये हमारा जो प्रोसेस है वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंटेमिनेशन टेस्ट जो है यूज़ कर सकते हैं टू ऑब्जर्व द एनवायरमेंट कंपैटिबिलिटी ऑफ इट्स प्रोसेस। तो अप्रेजल कॉस्ट में हम ये कर सकते हैं कंटेमिनेशन टेस्ट, और एनवायरमेंट फेलियर कॉस्ट में जो भी हार्मफुल गैसेज जो और जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उनके ट्रीटमेंट फर्दर आगे करना, उसे एनवायरमेंटल फेलियर कॉस्ट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसको दो भागों में बांट सकते थे, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, बट इसने हमसे सिर्फ एनवायरमेंटल फेलियर कॉस्ट पूछा, तो हम इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हम बता देंगे। और अगर कुछ होता भी है, कुछ गैस बाहर भी निकल जाती है और कंप्रेसिस नहीं हो पाते हैं, तो जो पेनल्टी लगेगी उसे भी हम इसी के अंडर कैटेगराइज करेंगे। फिर हमसे पूछ रहा है एनालाइज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ SBL अकाउंटिंग, SBL इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग इन इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दौरान अगर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस करता है, तो इस क्या इसकी अप्रोप्रिएटनेस को आपको एनालाइज करके कुछ चीज़ें बतानी है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अलोकेशन, इसकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सबसे पहले बताएंगे। तो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो सेपरेट कर देता है एनवायरमेंटल कॉस्ट को किससे, जनरल ओवरहेड से सेपरेट कर देता है और अलोकेट कर देता है बाय आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट ड्राइवर्स ऑफ द एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो जैसे अगर आप एक्टिविटी करते हो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, तो इसकी कॉस्ट ड्राइवर ये आपको आइडेंटिफाई कर देगा, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, तो इसके बेसिस पर आप जो है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज को आप अलोकेट कर सकते हो प्रोडक्ट में अपने। सॉलिड वेस्ट रिमूवल का वॉल्यूम ऑफ सच वेस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का मैन आवर्स वर्क फॉर सच एक्टिविटीज़, तो ये जो है कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर जो एक्टिविटी की कॉस्ट है वो एलोकेट कर सकता है प्रोडक्ट में।
फिर आता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है कि इसमें जो वेरियस स्टेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ के, उसको आप जो है उस स्टेज पे जो कॉस्ट लगती है एनवायरमेंटल कॉस्ट, उसको आप एनालाइज प्रॉपर कर पाएंगे और रिकॉर्ड कर पाएंगे। जैसे रॉ मटेरियल स्टेज पे क्या होती है, वैसे तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ग्रोथ होती है वो होती है इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ फेज, फिर होता है मैच्योरिटी, फिर होता है डिक्लाइन। लेकिन यहाँ पे अलग ही फेज दे रखा है। यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल का स्टेज दे रखा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग का स्टेज दे रखा है, और फिर मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज दे रखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये यहाँ पे पता नहीं कैसे क्या दे रखा है, ये भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे कि रॉ मटेरियल स्टेज में क्या रहा है कि आपने जो नेचुरल प्रोडक्ट जो परचेज किए होंगे उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल कॉस्ट हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पे जो एमिशन ट्रीटमेंट ऑफ गैसेस होती है सॉलिड वेट उससे रिलेटेड हो सकता है। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन वाले में से जो धुआं निकलता है उससे आपको रिलेटेड जो एनवायरमेंट कॉस्ट होती है वो हो सकती है। फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या कहता है, कहता है कि जितना चीज़ अंदर गया है मटेरियल उतना ही मटेरियल तो बाहर आएगा ना। तो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट डेट वट एवर गोज इन टू द सिस्टम हैज़ टू कम आउट ऑफ इट। तो ये जो है इवेल्यूएट कर लेगा कि कितना ज़्यादा स्टोन, फेल्ड स्पार है, बोरेक्स है, और बैंगल्स जो निकल के आए फिर उसके अंदर कितनी कितनी मात्रा में, यानी अगर पाँच गया तो और इतने बैंगल बने तो क्या इन सब में मिला करके ये पांच है कि नहीं है, पांच क्वांटिटी में है। अगर नहीं है तो मतलब जो है वो वेस्ट हो गया है हमारा। वो ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करने में मदद करेगा कि एनवायरमेंटल मोस्ट जो कॉस्ट हो रही है एक्चुअली में हो कितनी रही है, और उसको एलोकेट करने में आपको बहुत मदद करेगा। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द नीड ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन डिसीजन मेकिंग एंड सजेस्ट सेफ्टी मेजर्स डेट कैन बी टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर वर्कर्स। तो यहाँ पर दो चीज़ पूछी है, नीड ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग और सेफ्टी मेजर्स। देखो जैसी बात है कि अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल कंसिडरेशन को देखते हो तो आप भले ही शॉर्ट टर्म में, मतलब तो आप शॉर्ट टर्म में भले अपने गोल को अचीव कर पाओ बट लॉन्ग टर्म में फेल हो जाओगे आप अपने गोल को अचीव करना। आपको जो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन जैसे सोसाइटी का, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आपके वर्कर्स की हेल्थ पे, उनके प्रोस्पेरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उनके फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप जो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है उनके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव होगी, आपका बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, स्टाफ का मोरल इंप्रूव होगा, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट इंप्रूव होगा, और जो आपकी जो बिजनेस है उसकी पब्लिक पॉजिटिव पब्लिक इमेज बनेगी, इससे क्या है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी। यानी नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपकी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। और सेफ्टी मेजर्स कुछ पूछ रहे थे वर्कर्स के लिए, तो आप सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, वर्कर को ट्रेनिंग दे सकते हो, फर्स्ट एड किट रख सकते हो कि कोई भी अगर हादसा हो जाए तो फर्स्ट एड किट आपके पास अवेलेबल हो, प्रोटेक्टिव ग्लासेस का यूज़ कर सकते हो, अपने वर्कर्स का रेगुलर चेकअप करा सकते हो।